अभी हम लोग सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड का यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। इस बोर्ड का इस्तेमाल अगर घर में का कोई भी होम अप्लायंसेस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हमें चेक करना है, मोटर हो या मिक्सर हो या पोर्टेबल मशीन हो कोई भी, तो ये इस बोर्ड का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उस बोर्ड का कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे बताया हुआ है। इस बोर्ड पे एक लकड़ी का बोर्ड है 8x10 साइज का, उस पे ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हमने यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जो पहला है वो फ्यूज़ है, यानी ये जो जुड़ा हुआ है वो किटकैट फ्यूज़ है। ये जो दो दो नंबर का है वो इंडिकेटर है। उसके बाद में जो तीसरा 3 नंबर वाला है वो पहला स्विच है बोर्ड का। जो 4 नंबर वाला है वो 3 पिन सॉकेट है। उसके बाद में जो 5 नंबर है वो दूसरा स्विच है। बाद में 6 नंबर 3 पिन सॉकेट ये 2 नंबर का है। उसके बाद 7 नंबर है वो यहाँ पे बैटन होल्डर है। और जो 8 नंबर है वो 8x10 साइज का बोर्ड है। तो उसका कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे निकला हुआ है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ। ये 8x10 साइज का बोर्ड है, 8x10 साइज का। उस पर 2 3 पिन सॉकेट लगे हुए हैं, 2 1-way स्विच जिसे एसपी स्विच कहते हैं वो लगे हुए हैं, एक इंडिकेटर है और एक किटकैट फ्यूज़ है। तो ये सब असेंबल होने के बाद उसका कनेक्शन डायग्राम किस प्रकार करते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें एक स्विच सॉकेट हमें पैरेलल में रखना है और ए स्विच सॉकेट हमको सीरीज सर्किट में रखना है। उसका कनेक्शन मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। पहला कनेक्शन मैं पैरेलल का कर रहा हूँ। जो पहला स्विच है, पहले स्विच से एक लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सॉकेट को, जिसे हब वायर कहते हैं। जिसे लिंक कह दे, स्विच से मैं सॉकेट को वायर जोड़ रहा हूँ। उसी तरह जो दूसरा स्विच सॉकेट है उधर भी मैं लिंक डाल रहा हूँ। स्विच का जो नीचे का टर्मिनल होता है वो मेन टर्मिनल होता है। उसके बाद में दोनों स्विच को मैं कॉमन टर्मिनल डाल रहा हूँ। उसके बाद में जो यहाँ पे फ्यूज़ है वो फ्यूज़ से लेके मैं यहाँ पे स्विच तक मेन सप्लाई ला रहा हूँ। अभी जो यहाँ पे वायर जोड़ रहा हूँ वो फ्यूज़ है, वो फ्यूज़ से स्विच को मैं सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ पे एक स्विच को सप्लाई देने के बाद वो सप्लाई दूसरे स्विच में अपने आप आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिंक डाला हूँ। वो फ्यूज से और दूसरा वायर मैं उसके बाजू में जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर पे डाल रहा हूँ। जो मेन वायर है सप्लाई का वो फ्यूज से लेके स्विच को डाल रहा हूँ। उसके बाद में ये फ्यूज से लेके इंडिकेटर को सप्लाई देना है, इसलिए इंडिकेटर को एक वायर डाल रहा हूँ।
फ्यूज और इंडिकेटर का कनेक्शन हो चुका है। अभी जो बचे हुए टर्मिनल है उसको मैं यहाँ पे बैटन होल्डर है जिसे लैम्प बिठाते हैं उसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जो दूसरा सॉकेट है जिसे हमें सीरीज कनेक्शन करना है उसका वायर मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ। उसके बाद में जो दूसरा जो वायर है जिसे न्यूट्रल कहते हैं वो न्यूट्रल का मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। और जो इंडिकेटर शुरू होने के लिए फ्यूज से तो वायर यहाँ पे गया है लेकिन अगर इंडिकेटर हमें शुरू करना है तो हर एक न्यूट्रल वायर यहाँ पे जोड़ना है तो उसका कनेक्शन अभी कर रहा हूँ मैं। बाद में इंडिकेटर का एक वायर, सॉकेट का एक वायर यानी ये न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर। उसके बाद में जो एक इंडिकेटर का वायर और लैम्प का एक बचा हुआ वायर वो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी इसमें दो वायर बचे हुए हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज। यानी इंटरनल जो कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है, अभी मुझे इसे सप्लाई देना है इसलिए फ्यूज में मैं फेज वायर और सॉकेट में न्यूट्रल वायर यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। ये मेरा फेज वायर है, यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ा है लेकिन मैं इसको और एक सेपरेट न्यूट्रल लगा रहा हूँ सप्लाई के लिए। इस तरह न्यूट्रल वायर यहाँ पे जुड़ी हुई है। अभी इसको मैं एक कनेक्शन पूरा होने के बाद एक टेस्टिंग कर रहा हूँ। वायरिंग कनेक्शन पूरा हो चुका है, हम लोग अभी ये बोर्ड चेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक सीरीज कनेक्शन है और एक पैरेलल कनेक्शन है। अगर सीरीज कनेक्शन हमको चेक करना है तो हमें टेस्ट लैम्प वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। टेस्ट लैम्प हम सप्लाई में सॉकेट में डालेंगे तो यहाँ पे जो टेस्टिंग बोर्ड है उसका भी लैम्प लगता है यानी ऑन होता है और जो हम लोग टेस्ट लैम्प के लिए जो लैम्प यहाँ पे यूज़ किए हैं वो लैम्प भी यहाँ पे शुरू होता है। हमें दूसरा बोर्ड जो चेक करना है जो है पैरेलल, अगर वो हम चेक करेंगे तो टेस्ट लैम्प पे टेस्ट लैम्प को जो लैम्प है वही यहाँ पे चालू हो जाएगा, सिर्फ दूसरा लैम्प यहाँ पे नहीं चालू होगा। ये पैरेलल कनेक्शन है और जब हम सीरीज में चेक करेंगे तो दो लैम्प लगेंगे और पैरेलल में अगर चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही लैम्प लगेगा और वो ब्राइट लगेगा। इस तरह यहाँ पे सीरीज पैरेलल बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है।